नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों के जहन में ये चिंता फिर से लौट आई है कि कोविड के दौरान जो परेशानियां उन्होंने झेली, क्या कोविड का 2.0 वर्जन बनकर एक और नया वायरस हम लोगों की जिंदगी में दाखिल हो चुका है, H3N2 वायरस, जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। जवाब शायद थोड़े कम है, हालांकि आज इस वीडियो के जरिए एक्सपर्ट आपको इस पर जवाब दें, मेरी ये कोशिश है। और इसीलिए हमारे साथ जसलोक हॉस्पिटल से डॉक्टर राजेश पारीख इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि लोगों के मन में जिस तरह की चिंताएं हैं, जिस तरह के प्रश्न हैं, उनके जवाब हमें डायरेक्टली आज एक्सपर्ट से ही मिलेगा। तो पूरी कोशिश रहेगी आपसे वो सारे जवाब देने की। डॉक्टर साहब, देखिए, क्योंकि अब इस वायरस की वजह से जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं कर्नाटक और हरियाणा में, ये अगर मैं सही हूँ ये संकेत पढ़ने के लिए, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी डेथ रिपोर्ट हुई है, हरियाणा जो कि नॉर्दर्न बेल्ट का हिस्सा है वहां पर भी एक डेथ रिपोर्ट हुई है। तो एक पैन इंडिया इफेक्ट इस वायरस का दिखाई दे रहा है। सर्दी जुकाम जैसे लक्षण है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें, वो चिंता फिर से लोगों के मन में है। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ये वायरस अब उस स्टेज पर है जहां पर इसको डेडली कंसीडर किया जाए कि ये जानलेवा हो चला है? जी मीनाक्षी जी, पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपने खुद का चैनल शुरू किया है, इट्स अ बिग मूव और ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू। तो पहला गुड न्यूज है। दूसरा गुड न्यूज है कि ये वायरस इतना डेडली नहीं है, ये कोविड जैसे वायरस नहीं है और ये वायरस पहले आ चुका है। तो 1968 में हांगकांग में ये H3N2 वायरस आया था। उस समय वो तो काफी गहरा वायरस था, करीब 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी और उसके लिए वैक्सीन तैयार करने की भी बहुत ही रश हो गई थी। वैक्सीन रेडी हो गया ये वायरस के लिए, लेकिन जब तक वैक्सीन रेडी हो गया तो वायरस कम होते गया और पैंडेमिक खत्म आने को हो गई थी। तो अच्छी बात यह है कि एक तो ये वायरस अभी इतना डेडली नहीं है, क्योंकि 50 साल से ज्यादा हो गए, 55 साल, उसमें वो वीक हो गया है। दूसरी बात, वैक्सीन तो हमारे पास पहले से ही तैयार है, तो उतना डरने लायक बात नहीं है। चलिए, आई एम श्योर कि कम से कम लोगों को आपकी ये बात सुन के थोड़ा सुकून, थोड़ी राहत आई होगी, क्योंकि 3 साल हमने कोविड से फाइट किया है और आज हम इस स्टेज पर हैं कि कम से कम कोविड से हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी लेने जितनी बीमारी वो आज की तारीख में नहीं बची। लोगों को हो रहा है वायरस, फिर वो ठीक भी हो रहे हैं, हम उस स्टेज पर हैं। लेकिन इसके साथ ही जो ये कर्नाटक का केस था, मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, जिनकी मृत्यु हुई वो 87 उनकी एज थी, बुजुर्ग थे। इसके अलावा उनको हाइपरटेंशन, एस्थमा, एक्यूट किडनी इंजरी जैसी प्रॉब्लम्स थी। शुरुआती सिम्टम्स जो आए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में 24 फरवरी को एडमिट किया गया, बुखार, खांसी, सांस फूलने की समस्या। डॉक्टर साहब, अब बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, ये तो कॉमन फ्लू के भी लक्षण है। तो फिर हम उसी स्टेज पर हैं जैसे कोविड के समय भी दिक्कत आई थी, कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये H3N2 वायरस है या फिर ये कॉमन कोल्ड है या कॉमन फ्लू है। देखिए, ये पहले तो H3N2 वायरस है, लेकिन ये एक तरह का फ्लू वायरस ही है। तो फ्लू के बारे में अगर हम बात करें तो 100 साल पहले जो स्पैनिश इन्फ्लुएंजा हुआ था, उसमें तो 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। वो तो कोविड से भी बहुत ही बड़ी पैंडेमिक थी। अभी उसके भी वायरस के म्यूटेटेड फॉर्म आज 100 साल के बाद सर्कुलेट हो रहे हैं। वो सीजनल फ्लू है, सब लोग को होता है और अभी भी दुनिया में हर साल करीब 6 लाख लोगों की मौत वो फ्लू से होती है। लेकिन ये फ्लू ज्यादा करके सब लोग को होता है। तो अगर हम देखने जाए तो परसेंटेज, कितने प्रतिशत लोगों की मौत होती है, बहुत ही कम है। अभी जो आपने जो उदाहरण दिया, वो 87 ईयर ओल्ड थे। तो अभी जो ये भी एक तरह का फ्लू है, लेकिन अलग फ्लू है, ये H3N2 है। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं। उसके अलावा जिनको कोमोबिड बीमारी होती है, कोई भी दूसरी बीमारी होती है, तो उनका रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। तो ये भी अभी एक तरह का सीजनल फ्लू ही होने वाला है। और क्या हुआ है कि ये कोविड के बाद आ गया है, तो जैसे आपने पहले बताया लोगों को लगता है ये वापस आ गया, हमको वापस पैंडेमिक आ गई, तो ये इतना सीरियस नहीं है, लेकिन हमको संभाल के रहना है। और अगर ये जो लक्षण आ गए, बुखार, खांसी, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। ज्यादा करके कुछ ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर को जरूरत पड़ी तो ड्रग्स भी है, अभी टैमीफ्लू जैसे मेडिसिन है जो ले सकते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए। ये एक राहत की बात है कि आप कह रहे हैं कि कोविड जैसी परिस्थितियां नहीं है और काफी कंट्रोल्ड अभी एटमॉस्फेयर है, लेकिन जो मैं ऑफिशियल डेटा देख रही थी उसके मुताबिक अभी अराउंड 90 केसेस जो है उसकी पुष्टि है देश भर में। आपको लगता है कि यहाँ से स्टेज वर्स होने की दिशा में जाएगा या फिर अभी परिस्थितियां हमारे हाथ में है? पॉइंट वन। पॉइंट टू, प्रिकॉशंस इसको लेकर क्या होंगे? ये लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल है कि वायरस कैसे फैल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो मीनाक्षी जी, शायद वायरस तो फैलेगा ही, बट आप देखिए फ्लू ज्यादा करके बहुत लाखों लोगों को होता है, तो वायरस फैलेगा भी, इट मे बी वेरी इन्फेक्टिव, लेकिन ये लिथल वायरस नहीं है। तो ज्यादा करके लोगों को सिम्टम्स आते हैं, बुखार जैसे, फिर ब्रेथलेसनेस जैसे मैंने बताया, और यूजुअली फ्लू में 7 से 10 दिन में लोग ठीक हो जाते हैं, ये H3N2 में करीब 2 हफ्ते लगते हैं। तो वो एक स्लाइटली डिफरेंस है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा है। लेकिन उसके अलावा डरने लायक कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बताया ये 55 साल पहले आ गया था, अभी म्यूटेट होके काफी वीक हो गया है वायरस। दूसरी बात यह है कि जब वो आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोग पहले जो करते थे ना, स्वैप लेते थे, नेजल थ्रोट स्वैप, तो वो टेस्ट भी अभी काफी डेवलप हो गई है, उसमें भी ये वायरस पकड़ा जाता है। उसमें 7-8 तरह के अभी वायरस पकड़े जाते हैं, सिर्फ कोविड नहीं, तो ये आइडेंटिफाई हो सकता है। लेकिन एक चीज है कि जब किसी को यह आए तो इस इमीडिएटली पता नहीं चलता है कि ये कोविड है क्या, ये ऑर्डिनरी फ्लू है क्या, ये डेंगू है क्या, टाइफॉइड है क्या, तो इसलिए इसके ऊपर हमको ठीक तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर ये निकल गया तो फिर फिक्र करने की लायक कोई चीज नहीं है, और ज्यादा करके वो निकल ही जाएगा। अगर किसी की हालत और खराब होते जाए तो फिर डॉक्टर स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे, आरटीपीसीआर करेंगे, उससे ये पकड़ा जाएगा। टाइफॉइड है कि नहीं देखेंगे, डेंगू तो इससे बहुत ही खतरनाक है, तो डेंगू की टेस्ट करेंगे, और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो ये कोविड जैसे नहीं है जिससे पहले हमको कुछ पता नहीं था कि क्या आ गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम लोग आज आपकी बात को सुनकर थोड़ा सा दिल में सुकून आ रहा होगा उनके। लेकिन मेरी कोशिश फिर भी ये है कि लोगों के मन में जो चिंताएं हैं, क्योंकि होता है ना, एक लाइन में खबर आती है खतरनाक वायरस की एंट्री और उसके बाद मतलब एकदम से एक पैनिक मोड क्रिएट हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे क्विक पूछूंगी जो लोगों ने मुझे भेजे हैं। क्या ये वायरस एक से बहुत सारे लोगों को फैल सकता है अगर फैमिली में हो गया किसी एक को? जी, लेकिन वो इसके ऊपर भी डिपेंड है कि लोगों की इम्यूनिटी कितनी है। तो काफी लोगों को इस पे इम्यूनिटी रहेगी तो नहीं फैलेगा, तो फैमिली में फैल सकता है लेकिन सब पे नहीं फैलेगा। ठीक है। सवाल नंबर 2, क्या कोविड का मेडिकेशन जिन लोगों ने कंप्लीट लिया हुआ है उनको भी ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। सवाल नंबर 3, क्या हमें वापस फिर से कोविड वाले प्रिकॉशंस, मसलन मास्क लगाना है, थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ट्रैवल करते हुए जो पहले प्रोटोकॉल्स थे वो सब सेम फिर से फॉलो करने शुरू करने होंगे, या वी कैन बी चिल्ड आउट और ओके हम लोग वापस सिनेमा हॉल्स में, मार्केट्स में नॉर्मली जा सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो कोविड अभी तक चला नहीं गया है, कोविड अभी भी है। मैं सब लोग को, मेरे कॉलीग्स को बोलता हूँ कि मास्क पहनने की अभी हमको आदत हो गई है, तो उसको थोड़े टाइम के लिए चालू रखिए। तो कोविड के लिए भी मास्क पहनना चाहिए, लेकिन सिनेमा हॉल्स में जा सकते हैं, नॉर्मल लाइफ कर सकते हैं। जब हम पब्लिक में रहते हैं तो मास्क पहनेंगे तो जरा अच्छा रहता है। खाने पीने को लेकर क्या कुछ अवॉइड करना है या नॉर्मल लाइफ जैसे चल रही है वही सब आप फॉलो कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, नॉर्मल लाइफ फॉलो करना चाहिए, कर सकते हैं और करना चाहिए भी। ओके, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई अलग से एडवाइस आपके लिए, आपके पास? यूजुअल प्रिकॉशंस, बस वही यूजुअल प्रिकॉशंस, लेकिन उनके ऊपर ध्यान जरा ज्यादा रखना चाहिए। जैसे हमने ये केसेस देखे कि कर्नाटक में आया, हरियाणा में आया, यूपी में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आई नो कि ये बहुत आगे का सवाल है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन से लोग बड़ा घबराते हैं। क्या कभी कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो सकती है इसको लेकर? एक क्वेश्चन इसको लेकर भी आया, वायरस का नाम सुनते ही लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखो 1994 में लातूर में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, अर्थक्वेक हुआ था, और सितंबर 1994, 30 सितंबर 1994 बहुत बड़ा अर्थक्वेक था। वहाँ कुछ 30-40 हजार लोगों की मौत हो गई। मैं एक रिलीफ टीम का मेंबर था, हमने एक रिलीफ टीम बनाई थी और हम लोग वहाँ गए थे। लेकिन हमने वहाँ क्या देखा कि उसके बाद कभी भी रात को एक ट्रक भी जाती थी रास्ते पे, और वो ट्रक का आवाज आता था दर 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 ऐसे, तो लोग डर के उठते थे और बहुत डर जाते थे। उसको हम लोग कहते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो कोविड हुआ है इसीलिए लोगों को ज्यादा डर लगता है। अगर कोविड नहीं होता तो लोग इसको नॉर्मल फ्लू के जैसे ट्रीट करते हैं, और हमको करना चाहिए। तो लॉकडाउन के बारे में मुझे तो नहीं लगता है कि हमको सोचना चाहिए अभी, और मुझे नहीं लगती उसकी जरूरत पड़ेगी। So we are well prepared for the for any emergency or anything related to the virus. बस एक लास्ट सवाल और ये मैं आपसे पूछूंगी कि जो लोग घर पर हैं और अगर उनको नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, कहाँ पर वो स्टेज आएगी जिसके बाद उनको एडमिट होने की दिशा में या डॉक्टर से कंसल्ट करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहले तो मुझे उम्मीद है कि मैं रीअश्योरेंस कंटिन्यू करूँ। अभी तक ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन होने की जरूरत पड़ी नहीं है। मैं जसलोक में हूँ और नॉर्मल से ज्यादा पेशेंट्स एडमिट नहीं हुए हैं, ज्यादा पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ भी नहीं रहे हैं कि हमको ये तकलीफ हुई है, हमको ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो नंबर्स बढ़े नहीं हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज्यादा कंटिन्यू रहे हैं, सिम्टम्स 1 हफ्ते के बाद कम नहीं होते हैं लेकिन बढ़ते जाते हैं, तो फिर डॉक्टर के साथ चर्चा करनी चाहिए। डॉक्टर तपासेंगे, और अगर जरूरत पड़ी, जो कॉमन नहीं है, रेयर है, तो शायद एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो उस मार्ग पे हम नहीं हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि कम से कम आपकी बातें सुनकर रात को लोग आराम से, चैन से, सुकून से सो पाएंगे वापस। और जितनी बड़ी बड़ी ब्रॉड हेडलाइंस दिखाई दे रही हैं, जानलेवा वायरस, खतरनाक वायरस क्या आप तक पहुंच गया, आपके दरवाजे तक पहुंच गया है, ठीक है, प्रिकॉशन जरूरी है, पर पैनिक मोड में आपको जाने की जरूरत नहीं। कम से कम आपसे बात करके मुझे ये एहसास मुझे आया, तो आई एम श्योर बाकी दर्शकों को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, प्रेशियस टाइम फॉर मी, और हमसे ये बात करने के लिए। आई एम श्योर आपकी सलाह पर लोग ध्यान देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिक चैनल। थैंक यू वेरी मच।